उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज। अब मैं अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। भादरवा सुद पूनम यानी कि माँ जगत जननी की पूनम। भक्त अंबाजी पदयात्रा पे जाते हैं तो कुछ भक्त और मंदिरों में जाते हैं और पदयात्रा करके भगवान माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। तो अरवली जिले के मोड़ासा तहसील में बसा हुआ सरडोई गांव, जहां पर मिनी चामुंडा के नाम से प्रचलित देवस्थान है, यहां पर आज अहमदाबाद से कुछ भक्त पैदल यात्रा करके आए हैं और माँ के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त करेंगे। यहाँ एक मेले जैसा माहौल है और यहाँ पर श्रद्धालु भक्त आते हैं, दर्शन पाते हैं और धन्यता प्राप्त करते हैं। कुछ भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। जय माता जी। जय माता जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम भावना बेन पंचाल, मैं सिंगर हूँ। आप कहाँ से आते हो और आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहता है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं अहमदाबाद से आती हूँ, रानी हमारा रानीचम, ये हमारा प्रज्ञात्री पंचाल परिवार, हमारा जो चामुंडा परिवार ट्रस्ट है, जो 26 साल से आज 27वां साल है जो प्रज्ञात्री हमारा चामुंडा माँ का संग लेके आते हैं। हम सब साथ में हिंदू धर्म में माँ भगवती की 52 शक्तिपीठ, और हम सब साथ उसमें से एक शक्तिपीठ यानी अंबाजी धाम। अंबाजी धाम में भाद्र सुद पूर्णिमा के दिन बड़े मेले का आयोजन होता है। लाखों की संख्या में भक्त आकर माता जी के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त करते हैं और माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी के तहत जहाँ जहाँ भी देवी स्थान है वहाँ वहाँ पर भक्त भाद्रपक्ष की पूर्णिमा के दिन जाकर दर्शन प्राप्त करते हैं। उसी के तहत अरवली जिले के मोड़ासा तहसील के सरडोई गांव में बसा हुआ मिनी चामुंडा धाम, जहां पर अहमदाबाद से पंचाल समाज के द्वारा 26 साल से पदयात्रा का आयोजन होता है, जिसमें 100 से अधिक भक्तजन जुड़कर पदयात्रा करके अहमदाबाद से चामुंडा मिनी चामुंडा धाम को आते हैं और माता जी के दर्शन पाकर धन्यता प्राप्त करते हैं। तो आज अरवली जिले के मोड़ासा तहसील के सरडोई गांव में बसा हुआ मिनी चामुंडा धाम में हजारों की संख्या में भक्तजन जुड़े, माता जी के दर्शन पाए और धन्यता प्राप्त की और माता जी के विश्व कल्याण की भावना के साथ दर्शन पाए। और उसी के तहत पूरा सरडोई गांव और अरवली जिले में वो पूरा भक्ति माता जी के भक्तिमय माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा था। हिमांशु व्यास, उज्ज्वल भारत न्यूज, अरवली। મારું નામ ઈશ્વરચંદ્ર પુરુષોત્તમદાસ ભાવસાર, હાલ હું ચામુંડા પરિવાર સેવા ટ્રસ્ટમાં પ્રમુખ તરીકે સેવા આપી રહ્યો છું। આજરોજ 25 વર્ષ પૂર્ણ કરી અને 26મો પગપાળા સંઘ સરડોઈ ખાતે ચામુંડા માના ચોકમાં આવી રહ્યો છું, ત્યારે અહીંયા ચાલતા 150 જેટલા ભક્તો અમદાવાદથી 14 તારીખે નીકળીને આજરોજ 18 તારીખના દિવસે ભાદરવી પૂનમના દિવસે અહીંયા આવ્યા છે, ત્યારે રંગે ચંગે ખૂબ માતાજીનો પ્રોગ્રામ અત્યારે ઉજવાઈ રહ્યા છે। આજ રોજ અહીંયા માતાજીના ભક્તો માટે 1500-2000 માણસનો પ્રસાદ આપવામાં આવે છે। દર પૂનમે પણ અમે ફ્રી પ્રસાદનું આયોજન કરેલું છે। 12 મહિનાની 12 પૂનમમાં અંદાજે 400-500 માણસનો અમે ફ્રી પ્રસાદ આપીએ છીએ અને ભાદરવી પૂનમે 2000 માણસનો અમે પ્રસાદ આપીએ છીએ। અમારા મૂળ ચામુંડાનો ઇતિહાસ હું જણાવું તો, વર્ષો પહેલાં મોહન દેવરામ નામના ગોર એક હતા, તેમણે પહેલા ડુંગર હતો। નમસ્કાર, જય માતાજી। મેં જયદ્રસિંહ કુંવર, પૂર્વ સરપંચ સરડોઈ। આજ મોડાસા તાલુક તહેસીલ કે સરડોઈ ગાંવ કે અમારે ચામુંડા માતાજી કે મંદિર પે ભાદરવી પૂનમ કે તહેવાર પે આજ સરડોઈ ગામ કે અમારે જો લોગ અમદાવાદ મેં રહેતે વો પગપાલા સંઘ લેકે યહાં પે સરડોઈ પધારે। ભાદરવી પૂનમ કા હમારે હિન્દુ સંસ્કૃતિ મેં બહોત મહત્વ હૈ। આજ કે ઇસ દિન પે આપ દેખ રહે હો કે યહાં પે પૂનમ કે અવસર પે બહોત સારે યાની શ્રદ્ધાલુ યહાં પે એકત્રિત હુએ और उनके लिए ये प्रसादी महाप्रसादी की व्यवस्था की गई है। आज के इस पवित्र दिन पे मैं सभी लोगों से माँ माता जी चामुंडा माता जी के उनके ऊपर चार हाथ रहे, उनका आशीर्वाद मिले और सभी लोगों का, इस विस्तार का, गांव का और पूरे अरवली जिला का विकास हो
उसी अपेक्षा से आप सबको जय माता जी। जय माता जी। ये हमारा संघ पिछले 26 साल से अहमदाबाद से सरडू आ रहा है। इसमें हर साल 100 से ज़्यादा भाइयों बहनों पदयात्री आते हैं और इसमें हमको पूरा सभी भक्तों का सहकार मिलता है और बहुत अच्छी व्यवस्था हमारा चामुंडा परिवार सेवा ट्रस्ट भी यहाँ करता है और बीच में जो भक्त हमको सेवा देते हैं उनका हम धन्यवाद अनुभव करते हैं। और इस तरह ये मंदिर आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। धीरे धीरे आजू बाजू गाँव सिटी में से भी यहाँ पदयात्री आके दर्शन करते हैं और माता जी सभी की इच्छाएँ पूरी करती है जो मानता मानते उनका। तो इस तरह ये मंदिर अभी पूरे एरिया में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। जय माता जी। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज, नजर रखिएगा उज्जवल भारत न्यूज पर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय गांधी गुजरात। नमस्कार।